हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिश्रा क्लासेस। माय सेल्फ रिचा मिश्रा। आज जो है हम अपना जो सिविक्स का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे फेडरलिज्म, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारा जो टॉपिक है आज का वो क्या है, देखिए आज हमारा टॉपिक है व्हाई इंडिया इज ए फेडरल कंट्री, या यूँ कह लीजिए इस टॉपिक पर अगर क्वेश्चन बनते हैं तो अक्सर पूछे जाते हैं कि इंडिया जो है वो फेडरल कंट्री क्यों है, व्हाई इंडिया इज ए फेडरल कंट्री। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री, मतलब किस प्रकार से किन फीचर्स को एडॉप्ट करने के कारण जो है इंडिया एक फेडरल कंट्री कहा जाता है। तो पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, पिछले वीडियो में हमने देखा कि फेडरलिज्म एक्चुअली है क्या, उसके कंसेप्ट को हमने समझा, उसके अलग अलग फीचर्स को हमने पढ़ा और साथ ही साथ जो है उसके टाइप्स को भी पढ़ा था कि व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ द फेडरलिज्म, जिसमें कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म और आपका होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा है। अब इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हम पढ़ेंगे कि वो कौन से फीचर्स हैं जिसको एडॉप्ट करने के कारण जो है इंडिया एक फेडरल कंट्री कहा जाता है। तो इसको हम देखते हैं, जैसे स्टार्टिंग में क्या है कि हमने देखा कि जब हमारा देश जो आज़ाद हुआ 1947, जब हमारे आज़ादी मिली तो हमने देखा कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स को हम लोग फेस कर रहे थे, बहुत सारी समस्याएं जो हमारे लीडर्स जो है वो फेस कर रहे थे। जैसे पार्टीशन हम देख रहे थे कि यहाँ पाकिस्तान जो है वो इंडिया से सेपरेट हो चुका था, खून खराबा देख रही और दंगे देखने को मिल रहे थे, साथ ही साथ जो है विभिन्न प्रकार की समस्याएं और आ रही थी, बहुत से हमारे पास ये भी कह सकते हैं एक प्रकार का फेस करना था हमको चैलेंजेस की, हमें अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स को जो है मिलाकर एक करना था, ज्वाइन करना था, वही दूसरी ओर हमारे जो अलग अलग स्टेट्स थे जो अपने आप को एक अलग कंट्री एक अलग मतलब सेपरेट करने की मांगे कर रहे थे, कुछ जो है भाषा के आधार पे अपने आप को सेपरेट करे थे, तो कुछ रिलीजन के नाम पे कहने को तैयार थे। तो ये सारी समस्याएं जो है उस वक्त देखने को मिल रही थी। तो फिर जो हमारे लीडर्स थे उस समय उनके सामने केवल एक ही चैलेंज था, एक ही हम कह सकते हैं प्रोविजन था, विजन था कि वो ये था कि वो चाहते थे कि इंडिया को सशक्त बनाना है, पूरी तरह से वो एक यूनाइटेड होकर रहे और पूरी तरह से मजबूत होकर रहे। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि जो भी हमारा संविधान तैयार हो रहा था, उन्होंने ये सोचा कि हमारे संविधान में कुछ ऐसे कह सकते हैं हम प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट किया जाए, कैसे फीचर्स को अडॉप्ट किया जाए ताकि जो है इंडिया जो है वो यूनाइटेड रह सके। तो उसके लिए इसमें क्या बताया गया, देखिए कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, द इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरलिज्म सच एज, मतलब हमारा संविधान तो एक तरफ बन रहा था उस समय, लोग हमारे लीडर्स की ये सोच थी कि हमें फेडरलिज्म को तो रखना है इसमें, मतलब कि पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, हमें सभी स्टेट्स को कुछ ना कुछ पावर्स देने हैं, लेकिन जो है उन्हें इतना पावर्स में हमें नहीं देना है कि वो अपने आप के लिए वो अपने आप को एकदम अलग सेपरेट करने पे उतारू हो जाए, जैसा कि पाकिस्तान के साथ देखा गया था। तो उन्होंने क्या किया कि कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्लेयर किया गया कि इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है, और ये जो इंडियन यूनियन है वो पूर्ण रूप से फेडरलिज्म पर आधारित था, मतलब फेडरलिज्म का नाम तो उन्होंने कहीं नहीं लिया कि भाई हम फेडरल हैं या फेडरलिज्म को हम अपना रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहीं नहीं कहा। उन्होंने कहा कि इंडिया जो है कि यूनियन ऑफ स्टेट्स है, मतलब स्टेट्स को ये पता होना चाहिए कि इंडिया से स्टेट्स है, ना कि स्टेट से इंडिया, ठीक है। तो और ये कहा गया हमारा जो मतलब संविधान है वो क्या करेगा, जितने भी फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स है इसको एडॉप्ट करेगा ताकि जो है लोग जो है अपनी लिबर्टी को एंजॉय कर सके और उन्हें पावर्स भी आराम से दिया जा सके, और इतने पावर्स दिया जा सके जिससे केवल वो लिबर्टी को ही अपने एंजॉय करे, उसका नाजायज फायदा वगैरह ना उठा पाए। तो जैसे कि उसमें कैसे सच है, जैसे प्रिंसिपल्स की बात हुई है कि थ्री टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट, पहला ये क्या गया, जैसे फेडरलिज्म का भी फीचर आपको बताया गया कि गवर्नमेंट के थ्री टायर्स जो है वो होने चाहिए, मतलब थ्री लेवल्स होने चाहिए, जैसे कि सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल बॉडी। तो उसी प्रकार से हमारे भारत में भी हुआ, सेंट्रल, स्टेट और लोकल बॉडीज में जो है गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। नेक्स्ट क्या कहा गया कि ईच टायर हैव देयर ज्यूरिडिक्शंस व्हिच वाज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड, मतलब जो आपका फेडरल फीचर कहता है सेम वही फीचर हमारे भारत कॉन्स्टिट्यूशन में भी अपनाया गया, क्या कि अडॉप्ट किया गया कि जैसे जितने भी जैसे तीन टायर्स बताए गए गवर्नमेंट के, तो हर टायर्स के अपनी ज्यूरिडिक्शंस होंगे और उस ज्यूरिडिक्शंस के अंतर्गत, ज्यूरिडिक्शन यानी कि सीमाएं, उनके पावर्स की जो सीमाएं लिमिटेशंस जो है वो होंगी, और वो सारे कॉन्स्टिट्यूशनली जो है स्पेसिफाइड रहेगी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में बाकायदा उसमें बताया जाएगा, दर्ज किया रहेगा, लिखित रूप से गारंटीड रहेगी ताकि लोग उसका इस्तेमाल उचित तरीके से कर सके, उन्हें ऐसा ना लगे कि जो लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट्स है उनके पावर जो है केवल नाम के हैं। तो
अब ये जो अलग अलग मतलब ज्यूरिडिक्शंस सॉरी अलग अलग जो टायर्स थे गवर्नमेंट के, अलग अलग जो लेवल्स थे आपका सेंट्रल स्टेट और आपका लोकल गवर्नमेंट, इनके जो ज्यूरिडिक्शंस बनाए गए उसके लिए कुछ लिस्ट तैयार किए गए। मतलब हर लेवल्स के अपना एक जो ज्यूरिडिक्शन था उसको लिस्टेड में तैयार किया गया। अब वो लिस्ट जो है कैसे थे, आपका यूनियन लिस्ट था, स्टेट लिस्ट था, कंकरेंट लिस्ट है, और उसके बाद एक और है आपका रेजिडेंसी लिस्ट, उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इन लिस्ट के बारे में समझ लेते हैं, जिसमें आपको बताया जाएगा किसकी क्या सीमाएं हैं और उसमें कौन लॉज बनाता है। तो इसमें पहला है हमारा यूनियन लिस्ट, जैसा कि नाम से ही पता चलता है यूनियन लिस्ट यानी कि यूनियन आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट है। मतलब इश्यूज सच एज डिफेंस, फॉरेन अफेयर, बैंकिंग एक्सेट्रा हैव नेशनल इम्पोर्टेंस। मतलब ऐसे सब्जेक्ट्स या ऐसे इश्यूज, ऐसे मुद्दे जो कि नेशनल लेवल पे इम्पोर्टेंस रखते हैं, मतलब पूरे राष्ट्रीय स्तर पे, मतलब हर जगह एक चीज ही होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल तौर पर यहाँ क्या डिफेंस का आ गया, फॉरेन अफेयर का आ गया, बैंकिंग वगैरह। अब जैसे बैंक वगैरह का ले लीजिए एग्जाम्पल, आप समझ लीजिए कि अगर हम कहेंगे कि हर अलग अलग जगह की अलग अलग बैंक होगी तो आपके लिए समस्या हो जाएगी। क्यों समस्या हो जाएगी, मान लीजिए आप यूपी में, आप यहाँ पे आपने यहाँ पे SBI में अकाउंट खोला है और आपको आप किसी दूसरे स्टेट में गए MP में, वहाँ पे आपको पैसे की जरूरत पड़ी, तो आप वहाँ का बैंकिंग सिस्टम अलग है, तो फिर आप पैसे कैसे निकालेंगे। तो ये इन समस्याओं को, ये समस्याएं ना हो इसके लिए जो है नेशनल लेवल पे हर चीज जो है सेम रखी गई है। जैसे डिफेंस, मतलब सारा डिफेंस सिस्टम हमारा पूरे कंट्री का एक होना चाहिए। जो आपके फॉरेनर अफेयर्स, मतलब आप कहीं विदेश जाना चाहते हैं तो उसके लिए जो आपको प्रोसीजर फॉलो करना होगा वो सब आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में होती है। तो ऐसे ही समस्याएं, मतलब ऐसे इश्यूज जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग वगैरह जो कि नेशनल लेवल पे इम्पोर्टेंस रखते हैं, वो आपके यूनियन लिस्ट में आते हैं। और इनसे संबंधित जो भी आपका रूल्स हो गए, लॉज हो गए, वो कौन बनाएगा, यूनियन गवर्नमेंट मेक लॉज, यानी कि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इन सारे मुद्दों पे से रिलेटेड जितने भी लॉज हो वो उनको बनाने का काम करेंगी। नेक्स्ट क्या है आपका, स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में क्या आता है, सब्जेक्ट सच एज पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन विच हैव स्टेट एंड लोकल इम्पोर्टेंस, स्टेट गवर्नमेंट मेक लॉज। यहाँ क्या बताया गया, ऐसे सब्जेक्ट यानी ऐसे मुद्दे, ऐसे इश्यूज जो कि आपके स्टेट और लोकल लेवल पे इम्पोर्टेंस रखते हैं वो आपके स्टेट लिस्ट में आते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे पुलिस, जैसे हम देखते हैं ना अलग अलग स्टेट में अलग अलग पुलिस व्यवस्था है, जैसे दिल्ली पुलिस अलग है, हरियाणा पुलिस है, पंजाब पुलिस है, यूपी पुलिस है, तो इस हर स्टेट की अपनी अपनी पुलिस व्यवस्था होती है क्योंकि वो अपने लेवल में अपना कार्य करते हैं, है ना। क्योंकि एक पुलिस, अगर एक ही पुलिस पूरे पूरे आपकी कंट्री में रहेगी तो एक पुलिस हर जगह हैंडल तो कर नहीं पाएगी, इसलिए सबके अपने अपने स्टेट्स में अलग अलग पुलिस व्यवस्था है। वैसे ही अगर स्टेट वाइज ट्रेडिंग का सिस्टम है तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ट्रेड हो सकता है। एग्रीकल्चर इरीगेशन से रिलेटेड जो मैटर होंगे स्टेट वाइज वो अलग से काम किए जा सकते हैं। मतलब ये जरूरी है इसको पूरी तरह से यूनाइटेड करके काम करिए, सेपरेट तरीके से भी हो सकते हैं, इसलिए या तो स्टेट लेवल पे आते हैं। और इससे रिलेटेड जितने भी लॉज है वो कौन बना रहा है, आपका स्टेट गवर्नमेंट मेक लॉज, यानी कि स्टेट लिस्ट में जितने भी इश्यूज होते हैं उनसे रिलेटेड जितने भी लॉज बनते हैं वो कौन बनाता है, आपका स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। नेक्स्ट क्या है आपका, कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में देखिए इसमें कुछ कन्फ्यूजन्स होते हैं लेकिन हम इसे क्लियर करेंगे। कंकरेंट लिस्ट में क्या आता है, इसमें इंक्लूड होते हैं सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट स्टेट एंड द यूनियन सच एज एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज एक्सेट्रा। अब यहाँ क्या मतलब क्या बताया गया आपको कि ऐसे मुद्दे, ऐसे इश्यूज या ऐसे सब्जेक्ट जो आपके स्टेट में भी इम्पोर्टेंस रखते हैं साथ ही साथ यूनियन लेवल में भी इम्पोर्टेंस रखते हैं, मतलब दोनों ही स्तरों पर इक्वल इम्पोर्टेंस है, तो उन्हें जो है आपका कंकरेंट लिस्ट में रखा जाता है। जैसे आपको क्या एग्जाम्पल बताया गया, देखिए एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ट्रेड हो गया, ट्रेड यूनियन, मैरिज वगैरह। मतलब एजुकेशन की अगर बात की जाए, मतलब आप देखते हैं कि अलग अलग बोर्ड्स होते हैं, जैसे सेंट्रल बोर्ड होता है जैसे आपका CBSE वगैरह हो गया, आपका स्टेट बोर्ड्स भी होते हैं जैसे UP बोर्ड है, महाराष्ट्र बोर्ड है ना। तो ये अलग अलग मतलब स्टेट लेवल पे भी इसको इम्पोर्टेंस रखता है आपका एजुकेशन, वैसे ही यूनियन लेवल पे भी इम्पोर्टेंस रखता है। इसलिए ऐसे मुद्दे जो दोनों लेवल पे इम्पोर्टेंस रखते हैं वो कहाँ आते हैं आपके, वो आते हैं आपके कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। और इसके अलावा फॉरेस्ट वगैरह भी है, ट्रेड यूनियन वगैरह सब कुछ है आपका आता है इसमें। अब इसमें क्या कहा गया कि बोथ स्टेट एंड यूनियन मेक्स लॉज। अब इसमें कानून कौन बना रहा है, आपका स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों ही मिलकर जो है कानून को बना सकते हैं या दोनों में से कोई भी कानून बना सकता है। लेकिन बट इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट्स रिगार्डिंग इट लॉज मेड बाय यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल।
आगे क्या बताया गया आपको कि जैसे इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट रिगार्डिंग इट, अगर जैसे जो कानून बनाया गया है, मान लीजिए कोई लॉज बना एजुकेशन को ही लेके, मान लीजिए कोई लॉ बन गया, अब स्टेट गवर्नमेंट कुछ और, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ और लॉ बनाया और स्टेट गवर्नमेंट कुछ और बनाना चाहती है, तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे क्या होगा कि जो आपकी यूनियन गवर्नमेंट लॉ बनाएगी उसी को प्रिवेल किया जाएगा, वही पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा, ठीक है। वैसे तो हमने देखा था, क्या पढ़ा था कि जब किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो आपका ज्यूरिडिक्शन, आपका जो है कोर्ट जो है उसे सॉल्व करने का काम करता है, लेकिन ये जो लॉज होते हैं इन लॉज में अगर कोई समस्या आती है, कॉन्फ्लिक्ट आता है, तो उनसे रिलेटेड सारे मैटर्स को जो है क्या किया जाता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी वही लॉ जो है पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा। ऐसे भी आप कह सकते हैं कि मतलब यूनियन गवर्नमेंट का जो है मेन यहाँ पे किरदार रहता है लॉज बनाने में। तो इस प्रकार से हमने यूनियन लिस्ट देखा, स्टेट लिस्ट पढ़ लिया और कंकरेंट लिस्ट पढ़ लिया, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट लिस्ट पढ़ते हैं, रेजिडेंसी लिस्ट। तो चौथी लिस्ट है हमारी कौन सी, चौथी है रेसिड्यूरी लिस्ट। अब इसके अंतर्गत क्या आता है, देखिए, कंटेन्स दो सब्जेक्ट विच डू नॉट फॉल इन एनी ऑफ द लिस्ट केम अप आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड सच एज आईटी। अब इसमें क्या बताया गया कि इसके अंतर्गत कौन से कंटेंट्स आते हैं, यहाँ पे इसमें बताया गया कि ऐसे कंटेंट्स, ऐसे सब्जेक्ट्स जो कि आपके किसी भी लिस्ट में ना आते हैं, ना ही आपके यूनियन लिस्ट में और ना ही आपके स्टेट लिस्ट में। मतलब जब हमारे संविधान के निर्माता लोग इसको निर्माण कर रहे थे, संविधान को बना रहे थे, तो ऐसे कंडीशन में क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि हो सकता है, चूंकि हमारे 1949 में हमारे संविधान जो बनकर तैयार हो चुका था, उन्होंने सोचा कि भाई आगे हो सकता है ऐसे कुछ नए कार्य भार आए, नए मतलब कोई कार्य आए या कोई सब्जेक्ट या इशू आए जो कि हमारे संविधान को बनने के बाद जो है उत्पन्न हो। तो ऐसे कंडीशन में इन सारे नए इश्यूज को हैंडल करने की जिम्मेदारी कौन लेगा, तो उस नए आने वाले इश्यूज को जो कि संविधान के बनने के बाद आए उनको रेजिडेंसी लिस्ट में रखा जाएगा। और इस पे जितने भी लॉज बनाने हैं वो कौन बनाएगा, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, ठीक है। मतलब रेजिडेंसी लिस्ट में जो भी नया आएगा आपका कानून, मतलब कि नया सब्जेक्ट आएगा वो कौन बनाता है, उस पर लॉज सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्या बताया है, आई टीज बनाई है, मतलब 1949 में जब हमारा संविधान बना उसमें इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी का तो नामो निशान नहीं था, लेकिन आज क्या है, हमारा पूरा सारा कार्यभार जो है वो इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी पे ही चल रहा है। तो अब इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी को से रिलेटेड जितने भी मुद्दे होते हैं, उससे रिलेटेड जितने भी लॉज होते हैं वो कौन बनाता है, हमारा वो बनाता है सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, और वो आता है आपका रेजिडेंसी लिस्ट में। तो इस प्रकार से हमने चारों लिस्टों को देखा जिसके अंतर्गत ये बताया गया कि जो ईच टाइप्स ऑफ अ गवर्नमेंट है उनके क्या क्या ज्यूरिडिक्शंस हैं और वो किस प्रकार से इसको हैंडल करते हैं। नेक्स्ट क्या कहा गया, देखिए कि इंडिया होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, इंडिया जैसे कि बताया गया कि वो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन को कंसेप्ट को मानता है, जिसके अंतर्गत अनइक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है स्टेट्स के अंदर, ठीक है। लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं भारत में जिसके पास स्पेशल पावर्स हैं, जैसे कि आपका जम्मू कश्मीर हैड इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान आपके जम्मू एंड कश्मीर के पास जो है खुद का अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है। पहले ये था लेकिन अब नहीं है, जब से आपका धारा 370 जो है वो हटाया गया, अमेंडमेंट हुआ उसको हटा दिया गया, तब से क्या हुआ ये सिस्टम जो है खत्म हो गया। पहले क्या था, जम्मू कश्मीर के पास स्पेशल पावर थी, उसकी खुद की अपनी कॉन्स्टिट्यूशन थी, साथ ही साथ जो है वहाँ पे आप जाके ना ही कोई भी इलाका, मतलब वहाँ के लोग मतलब जमीन वगैरह नहीं खरीद सकते थे, ये सारी चीजें नहीं कर सकते थे। तो अब वो चीज़ खत्म हो गई, जब से 370 जो है वो हटाया गया आपका अमेंडमेंट, तब से ये खत्म हो गया। धारा 370 जब से खत्म हुआ तब से ये स्पेशल पावर का स्टेटस जो है जम्मू कश्मीर का खत्म हो गया है। अब वहाँ पे जो खुद के अपना कॉन्स्टिट्यूशन था ये सारा सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट क्या बताया गया कि यूनियन टेरिटरीज डू नॉट हैव द पावर्स ऑफ स्टेट। अब यूनियन टेरिटरीज की बात हुई, यूनियन टेरिटरीज क्या होते हैं, यूनियन टेरिटरीज जो है वो एक ऐसे मतलब कह सकते हैं ज्योग्राफिकल एरिया है जो ना ही वो स्टेट होता है, और मतलब वो इतना छोटा होता है कि उसको हम स्टेट डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, साथ ही साथ उसे हम किसी और स्टेट के साथ मर्ज भी नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि हो सकता है कोई ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम हो या और कोई रीजनल या कल्चरल समस्याएं हो। तो ऐसे इलाके जो है वो ऐसे टेरिटरीज जो है वो यूनियन टेरिटरीज कहलाते हैं, और यूनियन टेरिटरीज के पास जो है पावर की तरह स्टेट की तरह पावर्स नहीं होते हैं, साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्पेशल पावर होती है जिसके तहत वो यूनियन टेरिटरीज के ऊपर अपना मतलब रूल जो है करता है। नेक्स्ट क्या बताया गया आपको कि जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है वो पूरे कह सकते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन का पर मतलब बेस है, आपके स्ट्रक्चर जो है उसका पूरा तरह बेसिस होता है, मतलब
कॉन्स्टिट्यूशन का मेन आपका स्ट्रक्चर क्या है वो पूरी तरह पावर शेयर के ऊपर अरेंजमेंट उसका बेस करता है। तो ये जो अरेंजमेंट है मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा पावर जो शेयर किए गए लोगों को, उसके तहत लोगों के पास जो अरेंजमेंट्स दिए गए, जो पावर्स दिए गए जिसके तहत वो अलग अलग कानूनों को बनाते हैं, वो मतलब बहुत ही इजीली जो है चेंज नहीं किए जा सकते। उसमें क्या कहा गया कि अगर इफ वी वांट एनी चेंज रिगार्डिंग दिस, तो ऐसे कि इस समय क्या होगा, आपको एक प्रोसीजर से गुजरना होगा जिसके तहत जो है जो आपके पार्लियामेंट के बोथ हाउसेज हैं, आपके मतलब जो आपका लोअर हाउस है और जो अपर हाउस है, उन दोनों ही हाउसेस की 2/3 मेजोरिटी चाहिए ताकि कि किसी भी लेवल के द्वारा बनाए गए कानून को जो है बदला जा सके। मतलब क्या कहने का है कि जैसे मान लीजिए किसी एक टायर ऑफ गवर्नमेंट ने कोई कानून बना दिया, उस कानून को अगर दूसरा टायर ऑफ गवर्नमेंट जो है वो बदलना चाहता है तो वो इतनी आसानी से नहीं बदल सकता। इसी चीज को हमारे संविधान में बताया गया है। क्यों नहीं बदल सकता, इसको बदलने के लिए कुछ प्रोसीजर्स को अपनाना पड़ता है जिसके तहत जो है वो क्या होगा, उस मैटर से रिलेटेड जो है सारी मतलब चीजें जो है आपके पार्लियामेंट में जाएंगी। पार्लियामेंट के दोनों ही हाउसेस से जब आपका प्रायोरिटी मिल जाएगी, 2/3 मेजोरिटी मिल जाएगी उस चीज को लेके, तब वो आगे प्रोसीजर बढ़ेगा और उसके बाद ही ये पूर्ण रूप से रेटिफाइड किया जाएगा लेजिस्लेचर के द्वारा और कम से कम हाफ ऑफ द स्टेट जो है उसे कंसिडर करेंगे। मतलब जैसे आपके यहाँ कितने स्टेट्स हैं, आपका यहाँ 28 स्टेट्स है, आप 28 स्टेट्स प्रेजेंट टाइम में, अब इसमें का जो लगभग हाफ है यानी कि आपका 14 स्टेट जब इस चीज को रेटिफाइड कर देंगे कि नहीं ये बात सही है और इस हिसाब से कानूनों को बदला जाना चाहिए और दोनों ही हाउसेस से 2/3 मेजोरिटी भी मिल जाएगी, तब जाके किसी एक टायर के द्वारा बना के जो कानून होगा, जो लॉ होगा, उसमें चेंजेस लाया जा सकता है। ये चीज कौन कहाँ क्लियर हुआ है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर हुआ है। नेक्स्ट क्या हमारा बताया गया कि जुडिशरी टेक्स डिसीजन इन केस ऑफ डिस्प्यूट। अब इस प्रकार के कोई भी अगर समस्याएं होती हैं, मतलब लॉज को बना के कोई भी अलग अलग कानूनों को लेके जो है किसी अलग अलग टायर्स ऑफ गवर्नमेंट में डिस्प्यूट हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में जो भी प्रॉब्लम्स आएगी उसे सॉल्व करने का काम कौन करेगा, जुडिशरी करती यानी कि हमारी कोर्ट सिस्टम करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि व्हाई इंडिया इज ए फेडरल कंट्री, मतलब या What makes India a federal country? इस चीज को हम इस टॉपिक को हमने क्लियर किया है। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे कि मतलब हाउ इंडिया प्रैक्टिस फेडरलिज्म, मतलब भारत में जो है फेडरलिज्म को किस प्रकार से प्रैक्टिस किया जाता है, इस चीज को हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं। थैंक यू।